थैंक गॉड स्वेताना थी घर पे नहीं थी और मुझे बाहर निकलने का मौका मिल गया। आज तो मुझे शिवाई से मिलकर उसे सब कुछ बताना है। डोर हैंडल को छूते ही शिवाय को इतनी जोर का झटका लगेगा कि वो कम से कम एक हफ्ते तक बिस्तर से नहीं उठ पाएगा और इस सूरत में दुल्हन को बदलना आसान हो जाएगा। इससे पहले कि कोई और रूम में जाए मैं ही शिवाय को फोन करके बाहर बुला लेता हूं। टिया, लेडी पापा यहाँ क्या कर रही है? और चिरैया बेहोश कैसे हो गई? क्या हुआ सचमुच? पता नहीं, हमने इसकी चीख सुनी, हम बाहर आए और देखा टिया। टिया यार, भैया हाथ ऐसे क्यों मुड़ा हुआ है? ठीक है, लगता है शॉक लगने की वजह से इसका हाथ अकड़ गया है। और ऐसा कैसे शॉक लग सकता है? काम करते हैं, टिया को मेरे रूम में ले जाओ। मैं आपको चाहिए तो आप मेरे कमरे में भी लेके जा सकते हैं। इट्स ओके सौम्या, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ वैसे भी शिवाय का रूम यही है तो इट्स इजी। कम ऑन, डॉक्टर को बुला रहा हूँ। अगर आप लोग चाहो तो टिया का चेकअप मैं कर लेता हूँ।
After all, मैं भी एक डॉक्टर हूँ। या नहीं, एक्चुअली टिया का एक पर्सनल डॉक्टर है जिससे वो ट्रीटमेंट कराती है। Better we call that doctor. रूडी। हाँ। कौन है? रेका, हम भी हेल्प करें का? हाँ। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि टिया यहाँ आई क्यों है। वो भी चोरों की तरह। चोरों की तरह? मतलब अगर मेन गेट से आती तो सिक्योरिटी इन्फॉर्म करती ना हमें। शायद इसीलिए ये चोरी छुपे आई। मे बी ये नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले। पर ये सीधा तेरे रूम में ही आ रही थी। शायद मुझसे बात करने आई थी, कुछ कहने आई थी। शायद नहीं, आई एम श्योर टिया यहाँ शिवाय से मिलने आई थी। शिवाय भैया से? लेकिन क्यों? क्योंकि शिवाय और अनिका के लिए उसके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है। वो उन्हें हमसे बचाना चाहती है। तो दिया की हमें ग्रह दिशा बिगाड़नी होगी। चिंता मत कीजिए, फिलहाल वो कुछ नहीं कर पाएगी। देखिए, इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से ये बेहोश हो गया। बट डोंट वरी, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, थोड़े टाइम बाद होश आ जाएगा। कितना टाइम लगेगा डॉक्टर? कम से कम 4 घंटे लगेंगे उसे होश में आने के लिए। और जब तक टिया को होश ना आ जाए, हम में से कोई ना कोई हर वक्त उसके पास रहेगा। Because I'm very sure वीर और सौम्य उस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। जब तक टिया मुझसे बात नहीं कर ले, उन दोनों को हम आसपास ना आने दें। I have a feeling कि वो तीनों बहनें वीर और कल्याणी मिल्स की जो मिस्ट्री है उसे सॉल्व करने में सिर्फ टिया ही हमारी हेल्प कर सकती है। इससे पहले कि टिया शिवाय को कुछ भी बताए, हमें उसका मुंह बंद करना होगा। काम करते हैं, फिलहाल टिया के पास मैं रुक जाता हूँ, तुम लोग जाओ यहाँ से। तुम लोग चले जाओ, मैं और शिवाय ध्यान रख लेते हैं टिया का। तुम लोग क्या करोगे? वही जो आप करेंगे वही मैं करूंगी। नहीं, 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 मतलब दो लोग रुक के क्या करेंगे, मैं अकेले संभालूंगा, तुम जाओ। हा? अकेले तो नहीं छोड़ना मुझे। मेरा मतलब है अकेले रहेंगे तो पक जाएंगे। एक सेकंड, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? प्रॉब्लम है नहीं, हो जाएगी। हाँ? बात तो सुनिए पूरी। रुद्र की शादी का ठेका ले रखा है आपने, है ना? हाँ? और इतनी सारी अरेंजमेंट्स करनी है, तैयारियां करनी है। आप ऐसे टिया के पास रहेंगे तो, मेरा मतलब ऐसे यहाँ पड़े रहेंगे, टिया के आस पास पड़े रहेंगे तो फिर तो सारा प्रॉब्लम हो जाएगी। तैयारी कौन करेगा, कौन? हाँ, और देखो कितनी ठंड लग रही है इसे, टिया बेचारी को ठंड लग रही है। चद्दर बिछाओ। भाभी, आपको इनसिक्योर होने की कोई जरूरत नहीं। कहाँ आप खिड़की तोड़ने का भाभी, और कहाँ वो बेहोश लेडी बाबा। डोंट वरी, चिल। क्या क्या वरी? कोई वरी वरी नहीं कर रहा। तुम कर रही हो। हाँ तो मैं वरी करूंगी ना। आप तो बड़ा देखभाल करने वाले थे, आपको तो इतना भी नहीं दिख रहा है कि बेचारी टिया को इतनी ठंड लग रही है तो। मैंने सुना नहीं, बेचारी कहा तुम? अच्छा, वो जलसी छुपाने के लिए और कोई तरीका नहीं मिला। ये जलसी नहीं है, ये चिंता है। जब भी ये तीनों बहनें इस घर में एंट्री मारती है ना, तो पूरा का पूरा डेरा डाल देती, चाहे वो स्वेतलाना हो, सौम्या हो या ये टिया हो। फिर से भाभी तो, बहुत फनी हो आप, भाई बहुत फनी। मैंने कोई जोक मारा क्या? सीरियसली, तुम ना अनिका से फनिका बन गई हो। आप इस बात को मजाक में ले रहे हैं, लेकिन अगर मैं सच्ची कहूँ तो ये चटिया की बच्ची बार बार आपकी मदद करने के लिए हाजिर हो जाती है, तो इससे तो ये लगता है ना कि इसके इरादे ठीक नहीं हैं। और एक बात सुन लीजिए, हर वक्त मेरी नजर आप पे और इस टिया की बच्ची पे रहेगी। बहुत हो गया मजा, हमारी प्रायोरिटी क्लियर है। ओके, टिया की सेफ्टी हमारी प्रायोरिटी है गाइस, प्लीज रूडी। मिठानी जी, शादी में चाहे पूरी दुनिया को बुला लेना, पर वो मिसेस कुकरेजा मिसेस भाटिया को बुलाने तो मैं नहीं आने वाली। क्यों, उन्होंने क्या किया? पर जय जी, एक बात बताओ, ये टिया जो है ये हमारी कोई दूर नेरे की रिश्तेदार है क्या?
जानी पहचानी से लगती है। शिवाय की एक्स मंगेतर है, किसी मैगजीन शैगजीन में तूने तस्वीर देख ली होगी उनकी। मैं शक्ल की नहीं नाम की बात कर रही थी, बड़ा जाना पहचाना सा नाम। कहिए तिया, तिया कपूर तो नहीं? हाँ तिया कपूर ही तो है। रब खैर करे, तिया कपूर। क्यों क्या हुआ, तुम तिया के नाम से इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हो? क्योंकि इस नाम का कल्याणी मिल से कनेक्शन है। कल्याणी, कल्याणी, ये क्या पानी पानी कर रही है? अभी तो पानी पिया हमने। पानी नहीं, कल्याणी, कल्याणी को बुला रही हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, मुझे कहते कि मैं टिया से जलती हूँ, चांदनी भी टिया से ना जले। कल्याणी बहन कहाँ है, उसको बोलो कि उसकी दो बेस्ट फ्रेंड सत्संग के आई हैं, श्रद्धा बहन और पूजा बहन। बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। अरे क्या टेस्ट टेस्ट कर रही है, टेस्ट नहीं बेस्ट बोलो। ये ऊंचा सुनती है, वो कम देखती है। ठीक है, अब हम इंफॉर्मेशन देते हैं कि दादी अमेरिका गई है नहीं यहाँ पे। क्या अमरनाथ, अमरनाथ यात्रा पे चली गई कल्याणी? ए पूजा देखो तो, हमको तो पता ही नहीं चला। नहीं दादी, अमरनाथ नहीं गई है, वो अमेरिका गई है, बहुत आगे आगे। नहीं नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, गलत सोच रहे हैं, समझ रहे हैं आप। जरा जाके पिंकी को बुला दे, अरे आए हैं तो कल्याणी का अफसोस भी कर लेंगे। नहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, गलत हो रहा है, आप सुनिए। हाँ दादी गई है अमेरिका, अमेरिका। अरे इतना चिल्ला चिल्ला के क्यों बोल रही है दिकरा, मैं बेरी नहीं हूँ। हाँ बस हम चाहते थे आपको इन्फॉर्मेशन सही दे दे। तू कौन छे? मैं शिवाय की मिसेज हूँ। नी संस्कारी छे ने, बिल्कुल हमारी तरह है ना पूजा में। ठीक है, हम जरा पिंकी आंटी जी को बुला कर आते हैं। पिंकी आंटी जी हमारी, हाँ आ रहे हैं हम। श्रद्धा बहन प्यास लागी छे, जरा जोनी पानी है क्या आसपास? कल्याणी पानी चाहिए श्रद्धा बहन। अरे हाँ तो ऐसा बोलो ना पूजा बहन। हाँ लेके आती हूँ, लो हाँ अभी पानी लेके आती हूँ। माता ये तो क्या बोल रही है रूप, क्या दिया कपूर कल्याणी मिल्स में हमारे जो पार्टनर थे मिस्टर कपूर, उनकी बेटी तो नहीं? क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ उनकी एक बेटी का नाम तिया था। डरा मत रूप, भला टिया उस कपूर की बेटी कैसे हो सकती है? टिया के पापा तो अमेरिका में रहते थे और वो कल्याणी मिल वाला कपूर तो कल्याणी मिल की आग में जल गया था। वैसे प्रजा जी, आप कभी टिया के पापा से मिली है? नहीं, उसने कभी मिलाया ही नहीं। कमाल है, आपकी बेटी की शादी टिया से होने वाली थी और आप अपने समधी जी से मिली ही नहीं। मुझे लगता है तिया कपूर उसी कपूर की बेटी है और कल्याणी मिल्स के राज के बारे में बहुत कुछ जानती है और शायद शिवाय को वही बताने आई है। क्या हुआ पिंकी आंटी जी? अनिका कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। वो हम शादी की गेस्ट लिस्ट बना रहे थे ना, देख रहे थे किस किस को बुलाना है किस किस को नहीं। कुछ काम था अनिका। वो पूजा बहन और श्रद्धा बहन टू लेडीज आई हैं दादी जी से मिलने, तो
बुला रहे हैं आपको। ठीक है, मैं आती हूँ। रूप, तुम्हें कैसे पता कि टिया शिवाय को कुछ बताने आई है? मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है, वरना उसका यहाँ क्या काम पड़ जाए जी? अगर ऐसा है तो हमें टिया को रोकना होगा। हमें नहीं पड़ जाए जी, आपको। मैं तो बाहर वाली हूँ, घर के मामले में बोल नहीं सकती। बिल्कुल सही कह रही हो, जो कुछ करना है वो मुझे करना होगा। अब बनेगी बात, दांतों दांतों में मेरा आधे से ज्यादा काम तो जानवी कर देगी, और इसकी आड़ में मैं वो काम कर लूंगी जो मुझे करना है। नोटिया, तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो? Just wake up and tell me, तुम क्या जानती हो? I need to know. वो मैंने डिसाइड कर लिया मैं करने वाला हूँ। Are you sure, Shabai? मैं कह रहा गट फीलिंग मुझे करना चाहिए। ठीक है, अगर तुझे ऐसा लगता है then go ahead. पानी कहाँ मिलेगा? हे भगवान, ये तो शिवाय है, लेकिन उसकी बीबी होते हुए वो किसी और के साथ। जी 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 जी, बेचारे कल्याण है, अरे कितना गर्व है उसे अपने बिल्लू पर। जब देखो बस बिल्लू पुराण खोल के बैठी रहती है, और यहाँ उसका बिल्लू किसी और बिल्ली के साथ। फोटो ले लेती हूँ। सबसे पहले ये मैं अनिका को दिखाऊंगी। बिचारी अनिका, संस्कारी, उसको भी पता चले कि उसका पति क्या गुल खिला रहा है। परिमा, वो हाँ वो मैं सोच रही थी कि तुम कब से टिया का ध्यान रख रहे हो, थक गए होंगे ना? नहीं, इट्स ओके, मैं हूँ, टिया के उठने का इंतजार कर रहा हूँ। आई एम श्योर वो यहाँ मुझसे कुछ बात करने आई है, तो आई एम फाइन, थैंक यू। पर जय जी, शिवाय ऐसे ही जागता रहा तो इसकी तो ग्रह दिशा बिगड़ जानी है। आप इससे बोलो ना कि ये जाके कुछ खा ले, वरना ऐसे ही दांतों दांतों में तबीयत खराब हो जाएगी इसकी। मतलब बातों बातों में नहीं पड़ जाए जी, दांतों दांतों में। शिवाय रूप बिल्कुल सही कह रही है, तुम जाके आराम करो, कुछ खा लो, मैं यहाँ पर बैठती हूँ। नहीं, it's fine. और हम है ना इस प्यारी सी बच्ची का ख्याल रखने के लिए। इस नीडल पर मैंने एक ऐसी दवाई लगाई है जिससे अगले 3 दिनों तक टिया बेहोश रहेगी। आपको बस ये नीडल उसे लगानी है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।